नमस्कार, आप लोगों के बहुत ही कॉमन कमेंट्स आते रहते हैं, उसी कमेंट्स के सॉल्यूशन के साथ आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूं। आपके मैंने अक्सर कमेंट्स देखे हैं कि सर मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसके बेस पे मैं न्यूजेंट फैमिली का मेंबर बन चुका हूं अब, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ना कहां से स्टार्ट करूं। मतलब आपके इतने सारे प्लेलिस्ट हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कैसे पढ़ना स्टार्ट करूं। आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया जो लोग न्यूजेंट फैमिली के मेंबर हैं और जो लोग मेंबर नहीं भी हैं लेकिन वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते हैं और उससे सीखते हैं। आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट और अहम बात जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूं मैं वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं कि मेरे मोटिवेशन और मेरे एनर्जी लेवल जो हमेशा हाई रहता है उसकी वजह है आप लोग। उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि जिस मकसद से मैं इस YouTube प्लेटफॉर्म से जुड़ा था वो मुझे मकसद पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। मकसद मेरा साफ झलकने लगा है आप लोगों के इस बेहतरीन कमेंट्स के माध्यम से। आप लोगों के ऐसे ही कमेंट मुझे प्राउड फील कराते हैं। साथ के साथ आप जिस फीस की बात करते हैं उससे कई ज्यादा वैल्यू मेरे लाइफ में ऐड करते हैं। सीताराम कोहली साहब, मेरा मकसद पूरा होता हुआ आपके इस कमेंट से नजर आ रहा है और आप जैसे बहुत सारे कैंडिडेट इसी तरीके के कमेंट मुझे करते हैं, यही मेरी फीस है। यही मेरा मकसद था जिस मकसद से मैं प्लेटफॉर्म पे ऐड हुआ था यूट्यूब। यही सच है कि सर यूट्यूब पे सब अपने कोर्सेस सेल और मनी के लिए वीडियोस अपलोड करते हैं, बट सर आप फ्री में कोचिंग सेंटर से अच्छे ट्यूटोरियल्स अपलोड करते हैं। कोहली साहब, आपको और आप जैसे सभी इनोजेंट फैमिली मेंबर को यह आश्वासन और विश्वास दिलाता हूं कि ये कंटेंट डिलीवर करना मैं हमेशा जारी रखूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट इन सिक्वेंट वीडियोज, सिर्फ और सिर्फ आपके बेहतर कल के लिए। इसी सिक्वेंस में मैं आप लोगों के सामने आपके पूछे हुए कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं उसका आंसर रख रहा हूँ। सर मेंबर बन चुका हूँ इनोजेंट फैमिली का, आप मुझे ये बताइए जैसे ऑफलाइन ट्रेनिंग में पहली क्लास से इन सिक्वेंस पढ़ाते हैं आप, उसी सीक्वेंस से मैं YouTube चैनल पे घर बैठे कैसे पढ़ूं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं बिल्कुल ही प्री प्लान चैनल, ऑर्गेनाइज कंटेंट, ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट आप लोगों के सामने मैं सीक्वेंस में दिखा रहा हूं। आपको 1% भी डॉट नहीं रहेगा कि कैसे पढ़ना है वीडियोज इन सीक्वेंस। सबसे पहले आपके हाथ में सिलेबस होना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है जो मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं। तो अगर सिलेबस की बात करो तो आपके हाथ में पहले सिलेबस होना चाहिए। innogen.com पे जाइए और यहां से कोर्सेस में कोड एंड एडवांस एक्सेल, अभी हम लोग इस टॉपिक पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे इस पे क्लिक किया और आपके सामने यहाँ पे कंटेंट होगा कोर एंड एडवांस एक्सेल, ये रहा सिलेबस आपके सामने। और जिस सीक्वेंस में यहाँ पे सिलेबस है इसी सीक्वेंस में प्लेलिस्ट, ठीक है, देख लीजिए जिस सीक्वेंस में ये सिलेबस आपके सामने रखा हुआ है इसी सीक्वेंस में आपको मैं अब प्लेलिस्ट दिखा रहा हूं जैसे मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग में कराता हूं। ये रहा टिल डैशबोर्ड तक आपका टॉपिक है एडवांस एक्सेल का हिस्सा, उससे आगे फिर पावर पिवट, पावर क्वेरी, पावर बीआई, ये अलग टॉपिक है जिसका मैं वीडियोस ऑलरेडी बनाना स्टार्ट कर चुका हूं। कहां से पढ़ना स्टार्ट करना है उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी लेटेस्ट वीडियो ओपन कीजिए, हर एक वीडियो में मैंने क्या किया हुआ है उसके वीडियो को जब ओपन करेंगे आप उसके नीचे यहां पे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप आएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड प्रैक्टिस फाइल का लिंक मिलेगा, डायरेक्ट लिंक, और साथ के साथ ये असाइनमेंट मास्टर प्रैक्टिस फोल्डर जिसके अंदर जितने भी प्लेलिस्ट हैं सबका फोल्डर बनके उसके अंदर असाइनमेंट रखा हुआ है, ये आपके सामने हर एक वीडियोस का इन सीक्वेंस प्लेलिस्ट है और ये रहा आपके सामने हर एक का असाइनमेंट अलग अलग फोल्डर में रखा हुआ है जिस नाम से वो प्लेलिस्ट है। तो आपको कॉमन फोल्डर दिया गया है ये भी और साथ के साथ इंडिविजुअल लिंक भी मैं रखता हूं। उसके बाद अब मुझे मान के चलते आज पहला दिन है पढ़ने का और मुझे आज से पढ़ना स्टार्ट करना, एक्सेल की मैं शुरुआत करना चाहता हूं, तो वीडियोज इन अ सीक्वेंस जिस तरीके से लिखा हुआ है आपको इसी सीक्वेंस से पढ़ना है। सबसे पहले बेसिक एक्सेल के लगभग 73-74 वीडियोज होंगे, आपको पहले ये खत्म करना है। जब आपका बेसिक एक्सेल खत्म हो जाए तो आपको मूव करना है एडवांस एक्सेल सॉर्टिंग एंड फिल्टर का प्लेलिस्ट है, फिर सब टोटल टेक्स्ट टू कॉलम डेटा वैलिडेशन व्हाट इफ एनालिसिस एरेस एंड सम प्रोडक्ट लुकअप फंक्शन उसके बाद पढ़ाता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ताजा ताजा रहेगा तो इंट्रो देने में बढ़िया रहता है। उसके बाद आपको पिवट टेबल पढ़ना है, चार्ट एंड इंफोग्राफिक्स में तो बहुत सारे वीडियो अभी आने भी है तो चार्ट एंड इंफोग्राफिक्स पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है रिपोर्ट। ये जिस सीक्वेंस से वीडियोस हैं जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसी प्रैक्टिस करने के दौरान आपको कुछ काम और भी करने हैं, वो काम ये है कि वैल्यू एडेड टॉपिक भी आपके पास है, मतलब वो वैल्यू एडेड टॉपिक है आपका प्रोग्रेस चेक पॉइंट। ये प्रोग्रेस चेक पॉइंट क्या है, ये जो आप क्लास मुझसे कर रहे हो अभी तो मैंने पढ़ाया लेकिन मुझे भी तो जानना है कि आपने क्या किया, उसके लिए ये असाइनमेंट सीरीज। इस असाइनमेंट सीरीज में मैं असाइनमेंट देता हूं आप लोगों को, वो करके आपको वापस करना होता है। आपसे गुजारिश है कि आप इसकी प्रैक्टिस किया कीजिए और मुझे असाइनमेंट वापस भेजा कीजिए जिससे मुझे पता चले कि आप कहां स्टैंड कर। साथ के साथ करियर से रिलेटेड थोड़ा सा भी अप्स और डाउन चल रहा हो, माइंड में थोड़े बहुत डॉट चल रहा हो, मोटिवेशन लेवल डाउन चल रहा हो, तो आपके पास है करियर गाइड
उसके अलावा कभी भी क्विट करने का मन कर रहा हो कि नहीं यार मेरे बस का नहीं है, तो आप ये दो फ्रेंड के स्ट्रगलर की कहानी जरूर देखें। उसके साथ साथ अगर आज प्रैक्टिस करने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, आज एमसीक्यू कर लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने क्विज संडे के जरिए। उसके अलावा लीक से हटके जो हम लोग कॉमन टॉपिक्स पढ़ते हैं उससे लीक से हटके कुछ अलग करने का मन है तो एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस आपके सामने। और जब आपको ये लगने लगे कि मेरा एक्सेल बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है तो आपके लिए एक्सेल महाराज भी, डाइव डीप में जाने के लिए, डीप कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए फॉर एक्सपर्ट लर्नर आपके पास है एक्सेल महाराज। और सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज में से एक, तब जब मैं सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुका हूं और मुझे लगने लगा है कि यस मेरा कॉन्सेप्ट अब स्ट्रांग है, तो आजमाइए एक दूसरे के साथ हाथ आजमाते हैं इंटरव्यू क्रैकर और लाइव इंटरव्यू के जरिए। ये वो सीरीज है जो आपको महारत हासिल कराएगा इंटरव्यू टेबल पर बैठने में और सामने वाले के आंख में आंख डाल के बात कर। तो कोई भी प्लेलिस्ट में मैं अपडेट करूंगा वो आपको डिस्क्रिप्शन के थ्रू मिल जाया करेगा कि इन सीक्वेंस में रहेगा, आपको कोई भी पढ़ने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सीक्वेंस वीडियोस देखिए, पढ़िए खुद भी और आपके साथ जो आपके अपने हैं उनके लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए और उनको भी मोटिवेट कीजिए कि नहीं हमारा कल कभी नहीं आने वाला, तुम्हें जो भी करना है आज। इसी उम्मीद के साथ कि आपके कॉमन डाउट्स थे उसको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है कि किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। और ये बात सही है कि मैं YouTube पे व्यूज कमाने के लिए नहीं, आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए आया हूँ, मेरे लिए फीस से बढ़कर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से ऑलवेज।